हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, क्लास 9th मिड टर्म एग्जाम सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। ठीक है, आज आपका ये पेपर हुआ है मैथ्स का। आई होप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसे ही ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो ये आपका खंड क है, इसमें फर्स्ट का आंसर जो रहेगा आपका 1/5 C, सेकेंड का आंसर जो रहेगा आपका ए रहेगा एक्स अक्ष पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नंबर 3rd, तीन संरेखीय बिंदुओं से जो है कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 3rd का ए रहेगा, 4th का आंसर आपका सी रहेगा, 5th का आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 6th का आंसर जो है आपका 5 रहेगा, 7th का आंसर आपका डी रहेगा 65, 8th का आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे आप देख लीजिएगा, 1st का आंसर आपका ये है, 2nd का आंसर ए है, 3rd का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, 4th का आंसर आपका सी है, 5th का आंसर आपका बी है। ठीक है, 6th का आंसर आपका रहेगा y = 5, 7th का आंसर आपका 65 डिग्री, 8th का आंसर आपका रहेगा 7 यूनिट्स बी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 9th का आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप जो है इसका थोड़ा सॉल्व करना, ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है। मे बी इसका आंसर जो है यहाँ पे मे बी सी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करके देखना। 10th का आंसर आपका 11th का आंसर आपका सी रहेगा, 12th का आंसर बी रहेगा, 13th का आंसर आपका इन्फिनिटी रहेगा, और 14th का आंसर आपका रहेगा यहाँ पे 7/9, ठीक है, 14th आपका यहाँ पे 7/9 की समतुल्य जो है क्या रहेगा, इसका आंसर आपका ए रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका सी रहेगा, ठीक है, 16th का आंसर आपका बी रहेगा, 17th का आंसर आपका डी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, 9th का आंसर आपका ए रहेगा, 10th का आंसर आप खुद से कीजिएगा, इसका आपका 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका 12 का हमने अभी ऊपर किया बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का इन्फिनिटी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ए रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका सी रहेगा, 16 का आंसर बी रहेगा, 17 का आंसर डी रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका बी रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका यहाँ पे 19 का आंसर आपका ए रहेगा, क्वेश्चन ए, और क्वेश्चन नंबर इसका जो है आपका इसमें क्या है ए फॉल्स है, ठीक है, ए फॉल्स है, तो इसमें क्वेश्चन इसका आपका आंसर डी रहेगा, 19th का आपका डी रहेगा, और जो 20th है उसका भी डी रहेगा, दोनों का आंसर डी है। उसके बाद खंड ख में ये इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप यहाँ से जो है वीडियो पॉज करके देख लेंगे। 18th का आंसर आपका यहाँ पे डी रहेगा, ठीक है। उसके बाद असर्शन रीज़न दोनों का ही आंसर आपका डी रहेगा। उसके बाद ये सेक्शन बी है आपका, तो ये पेपर आप देख लेंगे। जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि किस तरह का पेपर आया है। जैसे ही ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आती है तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सेक्शन सी जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये खंड ग है जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये आपका सेक्शन डी रहेगा। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफाई करना था। काफ़ी क्वेश्चंस जो मैंने आपको सैम्पल पेपर दिए थे उनमें जो है इसमें कवर किए गए हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर अच्छे से किए हैं तो आपने जो पेपर है बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कमेंट करके बताना पेपर कैसा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।